लेकिन हमारे जो संयुक्त मोर्चा के लीडर हैं, किसान लीडर हैं, वो पूरे देश में किसान महापंचायत कर रहे हैं, जिसका पूरा सोशल मीडिया के थ्रू और आप जैसे जो सच्चे ईमानदार टीवी चैनल हैं वो भी दिखा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, ये 100 जन हो गए ना, चाहे 100 जन और हो जाए, ये किसान वापस नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं। एक खाली तो बढ़ रहे हैं जी, तो शाम को दिखा देना तो अंदर अब कमरे च पाई जाते हैं, सवेरे सवेरे नहीं होंगे उदो आपका बैठ जाते हैं, उदो आके दिखाते हैं, जो कट हों उदो क्यों नहीं गोदी मीडिया आता। तो पहला 10-50 साल पहला साढ़ा प्यो दादा हरे हक का हरे हक के और भादो जी का खेता जाता, वो उन्होंने गांव अफसर से उन्होंने अंसर है, सू कोई ये चीज़ नहीं गर्मी ना। नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में लगातार कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आज हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। 100 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, लेकिन यहां पर जो जोश की कमी है वो कम नहीं हुई है। हालांकि कई लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसान जा चुके हैं, खाली हो चुका है। तीनों बॉर्डरों की अगर हम बात करें, चाहे वो सिद्धू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, कहा जा रहा है कि खाली हो गए। लेकिन हम आपको दिखाते आ रहे हैं हरियाणा से लेकर अभी तक हमने नजारा दिखाया कि किस तरीके से किसान अपने आंदोलन को पकड़े हुए हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बार बार कि जगहें खाली हो गई है, लेकिन सच्चाई हकीकत कुछ और है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम इंद्रजीत सांगवान है और मैं चरखी दादरी इलाके से हूँ। इंद्रजीत, जैसे कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि चारों बॉर्डरों की अगर हम बात करें, वहाँ से किसान हट रहे हैं धीरे धीरे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये बिल्कुल मीडिया द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है, कोई किसान पीछे नहीं हटा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अब हमारी जो है आंदोलन में पहले से ज़्यादा मजबूती आई है। पहले हरियाणा से लोग जो है आते थे, एक आधा दिन रुकते थे, चले जाते थे, अब हरियाणा की यहाँ जो हाजिरी है वो पहले से 4 गुना ज़्यादा है और यहाँ रुकने के लिए लोग आते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अब जैसे कहा जा रहा है कि आंदोलन और तेज पकड़ेगा अप्रैल के महीने में, क्योंकि अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों से आंदोलन शुरू हुआ था, अब गर्मी आ गई, 100 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, क्या लगता है अब आगे की बात करें हम? ऐसे है जी, ये सरकार की गलतफहमी है। सरकार सोच रही है कि किसान जो है अब खेती के कार्यों में व्यस्त हो जाएगा और उस आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। किसानों ने अपनी रूटीन बना ली है और रूटीन में जो है हमारा, जैसे मैं मेरी खाप की बात करूं, सांगवान खाप की, और मेरे इलाके की सर्व खाप, जिसकी तरफ से मेरे को यहाँ प्रवक्ता और प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो हमने अपने हर गाँव से रूटीन बना ली है। हर खाप से दो दो गाँव आते हैं, दो दो गाँव से आदमी आते हैं, अपना जो है यहाँ के लिए राशन ले के आते हैं, और 4 दिन बाद नेक्स्ट जो है अगले 2 गांव से आते हैं। अच्छा, ये बताएं बाबा, बहुत उम्र का तजुर्बा आपको है, अभी फसल कटाई का समय है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, अभी गेहूं कट रहे हैं, एक रूटीन सा बन गया है कि कुछ लोग यहां पर है, कुछ गांव में जो फसल है उसको संभाल रहे हैं, औरतों ने मोर्चा संभाला, आपको क्या लगता है? 100 दिन हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि किसान थक चुके हैं, बाबा क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी आंखों में और आपके चेहरे में किसी तरीके की जोश की कमी नहीं लग रही है। मैं बताऊं आपको, ये 100 जन हो गए ना, चाहे 100 जन और हो जाए, ये किसान वापस नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो। एक बार ठीक है, फसल हम कमेटी बना रखी, आप काटे रूटीन करके बदली सदली कर। बाबा आप बताइए, आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कहाँ से आए हैं, आंखें लाल हैं आपकी, एक गुस्सा अंदर किसानों के बहुत है, उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम बलदेव सिंह का, पंजाब सूजा जिला मुख्य कहने, ठीक है 3 महीने बजाए तो 3 महीने 3 साल भी लग जा, अभी नहीं पिछे हटाने, 90 दिन हो गए मैंने, 100 दिन मैं पंड नहीं गया, ना ही जाऊंगा मैं। अच्छा बाबा, एक बात आप से कहते हैं कि पंजाब से आप यहाँ पर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए, किसान चाहे वो कोई सी भी सरकार हो हमेशा परेशान रहा है, लेकिन इस बार जो मांगे हैं वो किसान अपनी मनवाने में लगा है, सरकार नहीं मान रही है, वो अपने
जो रवैया है उसने अपना रखा है। क्या कहेंगे कि किसान आगे अगर हम बात करें गर्मियों के दिनों के आते, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा आप लोगों के लिए गर्मी में बैठना, क्योंकि सर्दियों का जो ठंड थी वो आपने निकाली, अब गर्मियों में अगर हम बात करें तो किसान क्या कहेगा? ये किसान कोई गर्मी नहीं गई, दो पहला 10-50 साल पहला साढ़ा प्यो दादा फले हकता सी, फले हक के हौन भादो टीका खेता च रहा सी, वो उन्होंने गांह अंसर से उन्होंने अंसर है, सू कोई ये चीज़ नहीं गर्मी ना। आप देख सकते हैं कि ये वो किसान है जो एक तजुर्बा इनके अंदर है, इनकी आंखों में आप देख सकते हैं एक तजुर्बा दिख रहा है, इनके चेहरे पर देख सकते हैं एक तजुर्बा दिख रहा है। बाबा आप कहाँ से आए हैं? मैं भी पंजाब से जी, मुक्तसर साहब। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हम तो भी 100 दिन हो गया जी, हम भी पहली जैसे 100 दिन का आंदोलन, 100 दिन आपको आपको भी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमान सिंह, हम बाबे के गाँव के से हैं, सूरे वाले श्री मुक्तसर साहब जिला जी। अच्छा ये बताइए कि अब फसल कटाई का समय है, किसान परेशान हो चुका है, कई बार ये भी दिखाया जा रहा है कि किसान अपनी फसल को ही नष्ट कर रहा है, वो कहना नहीं करना, क्या कहेंगे इसमें? आपका नाम क्या है? सतवीर जी। कहाँ से आए? रोहतक से जी। अच्छा ये बताइए किसान अपनी गुस्से का जो अंदर से बवार है वो अपनी फसल में भी निकाल रहा है, वो फेंक रहा है अपनी फसल को, उखाड़ रहा है, वो कह रहा नहीं कि अब सरकार के विरोध जाना है तो जाना है। जी सरकार के विरोध में जो जाना है तो जाना है, फिर हमको क्या सिरदर्दी है? आजकल तो सब मशीनगरी चलती है, एक लड़का है तो सबको काबू कर लेगा, हमको क्या काम, हम तो यहीं रहेंगे, हमको कोई सिरदर्दी नहीं। एक कड़ुब में से 10 आदमी लग गया करते, 2 दिन में किला करता था, आज कोई भी काम नहीं है, मशीन करेंगे और हम तो यहीं रहेंगे। अच्छा ये बताइए हरियाणा की बात करें, हरियाणा की मौजूदा सरकार बीजेपी की है, आपके जो डिप्टी सीएम हैं वो कहते हैं कि अगर किसान बोले तो हम केंद्र से बात करेंगे फसल दाम टू दाम बिकवाने के लिए, क्या कहेंगे आप? मां जी समझा को ना, थोड़ी अनपढ़ मानस हो, पूरी नहीं समझा जी। ना दूसरे से करो जी, ये आप अनपढ़ गए समझ के बात। हां जी बताओ। हां जी सर। अच्छा आप इधर आ जाओ। हां आप जैसे कि आप हरियाणा से हैं और जिस तरीके से आपके डिप्टी सीएम हरियाणा जो बीजेपी के हैं वो कहते हैं अगर किसान बोलेगा तो मैं केंद्र से बात करूंगा और फसल का जो रेट है उसमें करूँ। ऐसे है जी, हरियाणा का जो डिप्टी सीएम है उसके ऊपर हरियाणा का किसान तो छोड़ो, हरियाणा का कुत्ता भी विश्वास नहीं करता है, वो हमारी कौम को, हमारे हरियाणा को इतना बड़ा धोखा दे चुका है, हमने उसको बीजेपी के विरोध में वोट दिया था और उसने हमारी कौम से और हमारे से गद्दारी करके बीजेपी की सपोर्ट करके उनकी सरकार बनवा रखी है, और ऐसे पंचायतियों को हम जूते मारते हैं, अगर इतना बड़ा वो पंचायती हो और हमारा फैसला केंद्र से करवाने का दम रखता हो तो वो किसी भी गाँव में हरियाणा के में घुस के दिखा दे एक बार, इससे उसकी औकात का पता चलता है। नंबर दो बात यह है कि MSP और रेट वाली जो बात है, आज हाल में MSP पर सिर्फ 6% फसल की खरीदी हो रही है। अच्छा MSP की बात यहाँ पर हो रही है, बार बार जोर दिया जा रहा है कि MSP रेट पर ही बिकवाएंगे वो लोग, अगर किसान बोलेगा तो बात करेंगे केंद्र से। किसान क्यों बोलेगा जी, किसान का वो ठेकेदार नहीं है, वो पहले ही हमारे साथ गद्दारी कर चुका है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसका कोई वजूद नहीं है हमारे लिए। और ऐसे लोगों को जब हरियाणा का डिप्टी सीएम हम किसी को गांव में ही नहीं घुसने दे रहे, और दूसरी बात तो छोड़ो जी, उनके घर का विवाद हमारे खाप पंचायतों ने सुलझा दिया था, उसने उस टाइम पे खाप पंचायतों की नहीं मानी जिस टाइम इन्होंने पार्टी के 2 टुकड़े किए थे, तब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बोला था कि भाई जो पंचायत करेगी हम वो मान लेंगे, लेकिन दुष्यंत सिंह ने पंचायत की और सर्व खाप की बात को कोई वजन नहीं दिया, नहीं मानी, तो जिस आदमी ने पंचायत का मान नहीं रखा तो हम ऐसे लोगों को क्या हम पंचायत ही मानते नहीं। किसानों की बात करें, अब किसान अंदर अगर भूमिगत बात करें, भूमिगत तरीके से चल रहा है, जगह जगह जा रहा है, हिंदुस्तान के गांवों में बात कर रहा है, लोगों के से बात कर रहा है, वहां के लोकल किसानों से बात कर रहा है, तो आपको लगता है कि आने वाले अगर हम राज्यों की विधानसभा इलेक्शन की बात करें, चाहे वो कलकत्ता हो चाहे वो असम हो, फर्क पड़ेगा किसान आंदोलन का? बिल्कुल पड़ेगा जी, ऐसे है कि नेशनल मीडिया पे तो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जैसे कि पीछे पंजाब का 3 महीने का आंदोलन हरियाणा और पूरे देश में इन्होंने नहीं उसको प्रसारित होने दिया, उसी प्रकार से ये इस आंदोलन को भी रोकने की कोशिश में है, लेकिन हमारे जो संयुक्त मोर्चा के लीडर हैं, किसान लीडर हैं, वो पूरे देश में किसान महापंचायत कर रहे हैं,
जिसका पूरा सोशल मीडिया के थ्रू और आप जैसे जो सच्चे ईमानदार टीवी चैनल हैं वो भी दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मीडिया की बाबा मीडिया की बात हो रही है, जैसा कि कहा कि मीडिया में कुछ लोग हैं जो किसानों के साथ और कुछ लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं कि तीनों बॉर्डर खाली है, किसान पीछे हट गया। खाली तो बॉर्डर है नहीं, जितो शाम को दिखा देना को अंदर आपका कमरे च पै जाते ना, सवेरे सवेरे नहीं होंगे उदो आपका बैठ जाते ना, उदो आके दिखाते हैं, जो कट हों उदो क्यों नहीं गोद मीडिया आता, आप आने हो साड़ी सच्ची खबर तुसी बाहर दिने हो ते असी तुहाडा धन्नवाद भी करते हैं। आ चीज़ा होर असी उन्ना चर जा नहीं रहे जिन्ना चर साडा कोई मसला नहीं हल हों, असी इतने बैठने जोगे और कित जा दें, कम तो असी करते ही नहीं हाँ, कम बच्चे है कि ने करन वाले, तो असी बच्चा बच्चों पिछे फिरते हैं, जो बच्चे साढ़े सानू कल छप्पड़ मारनगे आखणगे तुसी पहले गए क्या ना उत्थे, असी हुण इत्थे ही रहांगे चाहे मरज गए तो चाहे सानू इत्थों उठा देना कुट के उठा देना जा नहीं रहे, दो साल रहांगे इत्थे जिन्ना चिर किसे दा फायदा नहीं हुंदा। देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा पंजाब आपको दोनों दिखेंगे और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन है वो कहीं से कमजोर पड़ा है, जगह जगह यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो किसानों की मौजूदगी है वो कम होती जा रही है, लेकिन हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ की सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं, किसान डरा नहीं है, अपनी मांगों पर यहाँ पर अटा हुआ है, अपनी मांगों पर यहाँ पर अड़ा हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं तजुर्बेकार जो बुजुर्ग हैं जो अपनी जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं उनसे हम बात करा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रवक्ता भी आए हुए हैं अपने समाज के जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पर है कि किसान अब दिल्ली के अलग अलग गाँव में जा रहा है, दिल्ली से बाहर के गाँवों में जा रहा है, हिंदुस्तान के गाँवों में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम टिकरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर अभी कई हजार किसान मौजूद हैं, अपने इन्होंने ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद किए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैं पहले दिन आई थी टिकरी बॉर्डर में, आपको ये आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से यहाँ पर शाम होते ही चाय पिलाई जाती है, तो अभी भी यहाँ पे वही सिस्टम अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं ये चाय के बर्तन हैं, शाम के चाय यहाँ पर बनाई गई है, चाय यहाँ पर बनाई गई है और चाय पिलाई जा रही है। ये देख सकते हैं खाने की व्यवस्था यहाँ पर रात को की जाएगी, खाना बनेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं दूध यहाँ पर रखा है। बाबा कितने दिन में कितनी बार चाय बनाते हैं आप? चार सही दिन ही बनता है, 24 घंटे, रात में बनाने दिन में बनता है, कभी कोई भी हालत है। तो आप देख सकते हैं कि 24 घंटे की ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें किसानों का जोश कम नहीं पड़ा है और जिस तरीके से हमारे जो किसान हैं हिंदुस्तान के अन्नदाता है यहाँ पर एकत्रित हैं और अपनी बातें जो इनकी मांगे हैं वो मनवाकर ही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप सब जुड़े रहिए इंडियाज 18 के साथ। नमस्कार।